यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एसटीटी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आज बीएसपी बोर्ड की तरफ से आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन मांग सबकी ये थी कि रिस्पॉन्स शीट के साथ जो है वो आंसर की जारी किया जाए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब तक रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं होता है तब तक आप अपने नंबरों का मिलान नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट से पहले आप कैसे डिक्लेयर करें कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं हैं, ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और ये मांग थी कि भाई एसटीटी परीक्षा में कि जल्द से जल्द जो है वो रिस्पॉन्स शीट बोर्ड जारी करे। अब ऐसे में धांधली के आसार और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें अब क्या होगा कि सेटिंग ज़्यादा होगी। और आपने देखा होगा कोई भी परीक्षा हुई, आज तक कोई भी परीक्षा हुई है, किसी भी स्टेज में हुई है वो, या अलग अलग राज्यों की हम बात करें, जहाँ भी कहीं भी ये जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये चीज़ देखने को हमें मिला है कि रिस्पॉन्स शीट जो है वो जारी होता है। क्योंकि बिना रिस्पॉन्स शीट के आप मिलान नहीं कर पाते हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि जब परीक्षा ऑनलाइन मोड में होती है तो इतने सारे क्वेश्चन हमें याद नहीं होते हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि भाई अब छात्र इस कोशिश में है कि भाई अब कैसे आगे जो है ये पता किया जाए कितने नंबर है उनके। तो ये भी एक बड़ी समस्या है और इससे लेके बोर्ड के अधिकारियों से वार्ता भी हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी मैं अपने ऑडियो क्लिप के माध्यम से आपको सुनाऊंगा। लेकिन देखिए ऐसे में एक सवाल और उठता है कि भाई बहुत ज़्यादा समस्या अब होगी छात्रों को, क्योंकि जब से रिस्पॉन्स शीट को लेकर ये खबर आई है कि नहीं जारी हुआ है तो एक बड़ा कह सकते हैं कि छात्रों के साथ धोखा हुआ है, ठीक है। अब एक सवाल और उठता है कि भाई कैसे आपत्ति लगाया जाए, किन प्रश्नों पे आपत्ति लगाई जाए। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले आंसर की और इस आंसर की में कुछ बदलाव देखने को मिला है, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अब आपको, जैसे मैंने देखिए ये साइट जो है इसकी ऑफिशियल खोल रखी है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप जो है ऑब्जेक्शन भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे आइए आप, यहाँ देखिए, यहाँ क्लिक करके ऑब्जेक्शन का ये खुल जाएगा। यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर देना है, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करना है इस सेक्शन में, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना डाल लेंगे डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अगर सर्वर की प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये लॉगिन करते ही आपका ओपन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और विभाग के अधिकारियों से जो वार्ता हुई है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से क्या कुछ कहा है उन्होंने रिस्पॉन्स शीट को लेके, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे। तो पूरा फिलअप करने के बाद देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आप पेपर को जो है और आंसर की दोनों को डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि आपको हिंदी का दिखाई दे रहा है 101 नंबर पे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं और आपको यहाँ से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको आंसर की जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ देखिए सब्जेक्ट का नाम है हिंदी, टाइमिंग टाइम आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है एग्ज़ाम डेट जो 9 तारीख को आपको परीक्षा हुई थी वो तमाम चीज़ें यहाँ पे सामने आ गई हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है प्रश्न पत्र संख्या, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट, आपको जो भी यहाँ पे भरना है वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे भर लीजिए। और यहाँ पे है एरर, अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पे ये सेलेक्ट में आप यहाँ पे क्वेश्चन भर सकते हैं, ठीक है। तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरीके से फुलफिल कर लेनी है। उसके बाद देखिए आपका जो है नई वाली जो आंसर की है वो यहाँ पे खुल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है,
और कहीं जहाँ पे कुछ गलती पाई गई होगी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए WO लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, मतलब रोंग OPT, तो इस पे आपके नंबर जो हैं बढ़ने के आसार हैं। दूसरे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, आप पहले वाला आंसर की देखिए, और इस बार देखिए इसमें ऑप्शन भी चेंज हो गया है, ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए D हो गया है। अब पहले आप दे सकते हैं कि पहले वाला अगर आंसर की आपके पास है तो वहाँ से आप दे सकते हैं कि पहले वाले में क्या पूछे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स शीट को लेकर विभाग के जिन अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई है उसका पूरा का पूरा ऑडियो क्लिप आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। सर रिस्पॉन्स आंसर की नहीं है क्या? नहीं, अरे विज्ञप्ति पढ़िए, विज्ञप्ति में क्वेश्चन और आंसर दिए ना। तो सर रिस्पॉन्स रहता तब ना पता चलता, इसे सर याद थोड़े हम लोग को। क्या याद नहीं है, आपको देखना है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही है कि नहीं, इतने देखना है। तो सर हम लोग का पता कैसे चलेगा मेरा कितना आया सर कितना नहीं है? तो रिजल्ट जब बनेगा तब पता चलेगा। आप रिस्पॉन्स हम विज्ञप्ति में लिखे हैं कि दे रहे हैं? तो ये तो सर एक तारीख को भी यही था सर। क्या एक तारीख को हम लोग ऑफिशियली लाइव नहीं किए थे, कैसे लाइव हुआ वो हम लोग नहीं बता सकते, रिस्पॉन्स हम लोग नहीं देंगे। रिजल्ट सर कब तक आएगा ये बता सकते हैं? रिजल्ट तो अभी तुमको 4 दिन पटिए देना है, फिर फाइनल आंसर की बनेगा। आंसर की बनने में तो इतना टाइम लगा, फाइनल आंसर की बनेगा उसके बाद ना होगा। एक अनुमान सर नहीं बता सकते बाबू, अभी इलेक्शन भी है, आचार संहिता लगा हुआ है, मतलब इलेक्शन बाद ही हो सकता है सर। तो देखिए आपने अधिकारियों से जो भी वार्ता हुई उसमें सुना है, और भी कई सारे क्लिप हैं ऑडियो की जो कि आप सुन सकते हैं। सर बोल रहे हैं कि आज हम लोग नए गेस्ट, नमस्कार सर, नमस्ते। सर बोल रहे हैं कि आज हम लोग नए गेस्ट की अभ्यर्थी हूँ, आज हम लोग का आंसर की जारी हुआ है सर, तो उसमें रिस्पॉन्स शीट नहीं दिया गया है, पूछ लीजिए विभाग के किसी अधिकारी से। हम विभाग के अधिकारी तो हम लोग चुनाव में है, विभाग का अधिकारी तो कुछ बता ही नहीं पाता है, तो हम लोग को बताने का मौका नहीं है, हम लोग चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव किसके लिए लड़ते हैं? हम लोग के लिए नहीं सर। हाँ तो लड़ने के बाद चुनाव के बाद बात कीजिए। अभी नहीं बात कर सकते हैं, चुनाव कैसे जीत सकते हैं जब अभी बात नहीं कर सकते हैं? तो चुनाव अपना प्रतिष्ठा हारता है आदमी भाई। क्या सर? अपनी क्षमता पर आदमी कितना हारता है, इतना धमकी मत दीजिए। धमकी नहीं दे रहे हैं, अपनी क्षमता नहीं, हम लोग 3 लाख का स्टूडेंट है, पागल कर दिए हैं आप लोग, आपके डिपार्टमेंट पागल कर दिए हम लोग को, तो जो समझ में आए कीजिए। तो इस बार चुनाव में परिणाम भी मिल जाएगा, ठीक है, तैयार है, और हम लोग आने के लिए तैयार है प्रचार करने के लिए। आइए ना, स्वागत, खिलाफ में प्रचार करने के आइए, स्वागत है। तो देखा दोस्तों आपने ये ऑडियो क्लिप सुना है तो जरूर शेयर कीजिए, किस प्रकार से भड़काऊ दबाव डाल रहे हैं विद्यार्थियों पर, कह रहे हैं कि आइए और हमारा जो है विरोध कीजिए, कोई डर नहीं है। अभी तक ये लोग चुनाव जीते नहीं, लेकिन अभी भी इन्हें कोई डर नहीं सता रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि बहुत बुरी अवस्था से गुजर रहा है बिहार, और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि भाई गर्त में डूब रही है। तो शिक्षा व्यवस्था दोस्तों गर्त में डूबे भी क्यों नहीं, जहाँ के अधिकारी ही इतने निकम्मे हों। तो आपने ये पूरा का पूरा ऑडियो क्लिप सुना तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।